क्या गाजा यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो चुका है? ये बड़ा सवाल है। क्या धरती पर एटमी अंतकाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर की बिसात बिछ चुकी है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार P5 कंट्री ने एटमी चार्ज संभाल लिया है। जहां एक तरफ अमेरिकी बॉम्बर मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं रूस ने एटमी सबमरीन को ब्लू वॉर जोन में उतार दिया है। आखिर कैसे धरती पर सदियों तक रहेगा सूर्यास्त? क्या है पुतिन का ऑपरेशन सर्वनाश? देखिए इस रिपोर्ट में। करीब दो साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध और बीते दो महीनों से धधकता गाजा का बैटल ग्राउंड, भले ही इन खूनी संघर्ष के पीछे जमीनी विवाद को वजह माना जा रहा हो, मगर हकीकत तो ये है कि यूक्रेन से लेकर गाजा तक जो बारूदी कोहरा मचा है, असल में वो फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का लॉन्च पैड है। जिसमें कभी भी किसी भी वक्त एटमी विनाशकों का इस्तेमाल हो सकता है, वो भी धड़ल्ले के साथ। जी हाँ, रूस यूक्रेन और इसराइल हमास में छिड़ी जंग जल्द ही परमाणु युद्ध की शक्ल ले सकती है, और ये कोई हवा हवाई दावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह है पीएस कंट्री की न्यूक्लियर तैयारी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग वन, अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बॉम्बर को B-61-12 एटम बम्ब से लोड किया। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग टू, चीन ने B-21 बॉम्बर पर अटैक के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग थ्री, रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट में प्रोजेक्ट 636.3 सबमरीन शामिल। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग फोर, रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में 8 कैलिबर मिसाइल से लैस फ्रिगेट तैनात की। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग फाइव, बाल्टिक सी में अमेरिकी B-1B बॉम्बर और रूसी फाइटर जेट में भिड़ंत। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग सिक्स, फ्रांस ने M-51.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 7, ब्रिटेन ने एटमी अटैक करने वाली सबमरीन को बनाने की तैयारी शुरू की। एक तरफ दुनिया के दो इलाके वॉर फ्रंट बने हुए हैं, इसी बीच अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों का परमाणु ऑपरेशन, एटमी हथियारों का एक्शन ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की दहशत बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस और गाजा युद्ध में अमेरिका और नेटो देशों का जो किरदार रहा है, उससे पुतिन और जिनपिंग खफा है। कई बार दोनों देशों की तरफ से अमेरिका और नेटो को वार्निंग तक दी गई, लेकिन जैसे ही रूस ने यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने के लिए एटमी मिसाइलों को वॉर जोन में उतारा, सुपर पावर अमेरिका का माथा ठनक गया और बाइडेन ने रूसी अटैक प्लान पर पलटवार करने के लिए अपने सबसे खूंखार शिकारी को विनाशकारी बम से लोड कर वॉर जोन में भेजने का ऑर्डर दे दिया। आसमान में किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा ये लड़ाका अमेरिकी वायुसेना का सबसे घातक बम वर्षक है। नाम है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। यूएस एयरफोर्स के इस विनाशकारी बम वर्षक से पूरी दुनिया थर्राती है। एयर जोन में इसकी दस्तक से ही दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि B-2 स्पिरिट बॉम्बर आसमान में उड़ता परमाणु बम वाला वो दस्ता है जो अपने एक प्रहार से किसी भी मुल्क का वजूद मिटा सकता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। B-2 लंबी दूरी तक मार करने वाला हेवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इस बम वर्षक का कुल वजन करीब 90,000 किलो तक है। B-2 स्पिरिट 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। यूएस एयरफोर्स के इस बॉम्बर को कोई रडार पकड़ नहीं सकता।
B-2 स्पिरिट हथियार और ताकत के मामले में भी बेहद ताकतवर है। हजारों पाउंड वजनी बम से लेकर क्लस्टर और क्रूज मिसाइलों से लैस होता है। ये बॉम्बर नेवल माइंस को भी टारगेट कर सकता है। यानी आसमान में उड़ता हथियारों का जखीरा है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बमवर्षक को B-61-12 बम से लैस किया है। अठहत्तर साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए थे उससे करीब 24 गुना ज्यादा ताकतवर है B-61-12 ग्रेविटी बम। यानी 78 साल पहले जापान के दो शहरों में जो तबाही मची थी, भीषण नरसंहार हुआ था, उससे करीब 24 गुना ज्यादा तबाही और नरसंहार होगा जब B-61-12 ग्रेविटी बम को दागा जाएगा। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। B-61-12 एक थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। B-61-12 का कुल वजन करीब 350 किलो है। इस बम की विस्फोटक क्षमता 50,000 टन है। इसे बॉम्बर और फाइटर जेट के जरिए दागा जाता है। यानी देखने में भले ही B-61-12 थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम किसी मिसाइल की तरह लगे, लेकिन इसके एक प्रहार से भीषण बारूदी कोहराम, आग का गुबार और जबरदस्त ब्लास्ट किसी की भी रूह कपा सकता है। इसके बम की तबाही का दायरा भी सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है। शायद यही वजह है कि अपने सबसे खूंखार बॉम्बर को घातक विनाशक से लैस कर बाइडेन ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की है। लेकिन बाइडेन के इस कदम के साथ ही चीन और रूस भी एक्टिव हो चुके हैं, जहां पुतिन ने बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक एटमी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, तो वहीं ड्रैगन ने अमेरिका की छठी पीढ़ी के स्टेल्थ बॉम्बर 21 रेडर को मार गिराने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों की खेप तैयार कर ली है। वहीं अमेरिका, चीन और रूस की एटमी तैयारियों को देखते हुए P5 के मेंबर फ्रांस और ब्रिटेन भी युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं। मतलब ये कि जहां दुनिया रूस यूक्रेन वॉर और गाजा युद्ध के खत्म होने की दुआ कर रही थी, उस पर तो लगाम नहीं लगा, वहीं अब दुनिया पर फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का खतरा जरूर मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।